हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करते समय फ्रेंड्स आपकी जो फोटो है उसे में इंस्टाग्राम के आपके फ्रेंड को या किसी इंस्टाग्राम के बड़े क्रिएटर को कैसे टैग मारते हैं फ्रेंड्स। यानी टैग मारने से क्या होता है फ्रेंड्स कि आप देखते हैं फ्रेंड्स फेसबुक पे आपको पता ही होगा टैग कैसे मारते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इंस्टाग्राम को आपको शायद नहीं पता, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स टैग से क्या होता है कि एक तो आपके फ्रेंड को जल्द से आपकी फ़ोटो मिल जाती है, आपकी पोस्ट उसको उसका आईडी वो ऑनलाइन आती है, आप उसको मैसेज जाता है कि आपने उसको टैग मारी है अपनी फोटो, तो उसको मैसेज जाता है। और उसके साथ साथ आपने किसी इंस्टाग्राम के किसी बड़े फॉलोअर्स को यानी उसके बहुत सारे फॉलोअर्स है उसको टैग मारी है, तो आपके लाइक भी ज़्यादा आते हैं क्योंकि उसके जो फॉलोअर्स है वो भी आपके फ़ोटो को कुछ फॉलोअर्स आपके फ़ोटो को भी लाइक देते हैं, तो फ्रेंड्स उसके साथ साथ आपके लाइक्स भी बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, मैं आपको एक फ़ोटो लगा दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले ये देखिए, मैंने ये फ़ोटो अपलोड की है तो इसमें बहुत सारी टैग लगाए हैं। तो फ्रेंड्स ये टैग से क्या होता है कि मुझे ऐसे मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं तो कुछ टैग लगाने के बाद बहुत सारे लाइक आते हैं, और टैग न लगाने से कुछ भी लाइक नहीं आते, सिर्फ दो तीन लाइक आते हैं। और टैग लगाने के बाद से ये देखिए 37 यानी फ्रेंड्स मेरे पहली पोस्ट है, इस वजह से इतने सारे आए, अभी अभी डाली है तो इतने लाइक आए हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास ज़्यादा फॉलोअर्स है तो आपको ज़्यादा भी आ सकते हैं, और बड़े क्रिएटर को टैग मारेंगे तो उसके भी ज़्यादा आएंगे। तो मैंने कुछ ऐसे टैग मारे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोस्ट डालते समय कैसे टैग मारते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा घंटा आएगा उसे भी दबा देना ताकि हम आपके लिए रोज़ ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं और उसकी बेल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आपको वीडियो लाइक अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, दोस्तों आपको प्ले स्टोर में जाके आपके इंस्टाग्राम की जो एप्लीकेशन है उसे एक बार अपडेट कीजिए। तो मैंने अपडेट की है तो मैं इसे ओपन करता हूँ। देखिए इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन ओपन की है तो फ्रेंड्स आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ऐसा इंटरफेस मिलने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ से आपको पोस्ट डालने का जो ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स, देखिए प्लस का जो टोकन में जो प्लस का है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फ़ोटो खींच सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं, यहाँ से वीडियो फ़ोटो यहाँ से गैलरी से जो फ़ोटो लेनी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ कुछ वीडियो आई है तो यहाँ से मैं ये देखिए फ्रेंड्स ये फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ। ये फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे वैसे फ़ोटो डाल सकते हैं, या आपको जूम करके भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ जूम करके डालता हूँ। देखिए ऐसे डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ से आपका फॉन्ट भी यानी कलर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ चेंज करना है तो मैं यहाँ ऐसा रहना देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, यहाँ आपको जो डालना है आपका टेटस या कुछ डालना है आप कहा गए तो मैं यहाँ कुछ नहीं ऐसे ही सिंपल डालता हूँ। कुछ स्माइली डालता हूँ, स्माइली डालने के बाद आप यहाँ से लोकेशन आपका ऐड कर सकते हैं, आप कहाँ घूमने गए तो लोकेशन भी। तो मैं यहाँ इंडिया करता हूँ। इंडिया करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ टैग पे पीपल है दिखा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ टैग पीपल है, आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ऐसा इंटरफेस मिलने के बाद आपको इस फोटो पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यह हुज दिस आपको जिस को टैग मारनी है आपकी फोटो उसका नाम डालिए। तो मैं यहाँ कुछ बड़े बड़े क्रिएटर्स का नाम डालता हूँ जैसे कि मनोज दे। आप यूट्यूब से रिलेटेड है यूट्यूब, आप फेसबुक से रिलेटेड है तो फेसबुक से यानी पप्पा का रिकॉर्ड, ऐसे जो आपको जिससे रिलेटेड फॉलोअर्स चाहिए उससे रिलेटेड टैग्स लगाइए यानी बड़े बड़े। तो मैं यहाँ कुछ लगाता हूँ, आपका फ्रेंड है तो आप अपने फ्रेंड का भी डाल सकते हैं।
देखिए आज जितने चाहे आप टैग लगा सकते हैं। देखिए तो यह कुछ टैग लगाने के बाद आपको यह राइट क्लिक मिल रहा है फ्रेंड्स, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यह शेयर का ऑप्शन मिल रहा है फ्रेंड्स। आप शेयर करने से पहले आपको फेसबुक, ट्विटर या थंबल किसी भी सोशल मीडिया पर या इंस्टाग्राम के साथ साथ पोस्ट करनी है, तो आप यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं। तो मैं इसे ऑन ऑफ ही रहने देता हूँ क्योंकि, और यहाँ शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फिनिशिंग अप, ये देखिए मेरी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, फ़ोटो अपलोड होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। देखिए 3 लाइक्स, अब देखिए अभी 3 लाइक्स, 30 सेकंड में 3 लाइक्स आए फ्रेंड्स। कुछ टैग्स करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इतने आसान तरीके से आप अपने लाइक्स बढ़ा सकते हैं, फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 13 सेकंड में 3 लाइक्स मिले। देखिए फ्रेंड्स, 4 लाइक्स हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप ऐसे टैग लगा सकते हैं फ्रेंड्स। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और आप देखिए 5 लाइक्स हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में छोटा सा नाना सा घंटा आएगा उसे भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स।